हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीकली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। आज हम 3 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। उसी के साथ हर सवाल से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले सवाल पे। Who among the following has been appointed as a president of Guyana? Guyana के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है इरफान अली जी को। Mr. इरफान अली has been appointed as a new president of Guyana. अगर हम गुयाना की बात करें तो गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन और करेंसी है यहाँ की डॉलर। हमारा अगला सवाल है Who among the following has been appointed as a new lieutenant governor of Jammu and Kashmir? इसका सही उत्तर है Mr. मनोज सिन्हा जी। Mr. मनोज सिन्हा has been appointed as a new lieutenant governor of Jammu and Kashmir. हमारा अगला सवाल है Which country is going to host the 13th edition of Indian Premier League? इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण कौन सा देश आयोजित करने वाला है? इसका सही उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आईपीएल 2020 जो कि आईपीएल का 13वां एडिशन होगा, इसे यूएई सितंबर से नवंबर 2020 में आयोजित करेगा। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल है आबू धाबी और करेंसी है यहाँ की दिरहम। हमारा अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज इंग्लैंड्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर? इसका सही उत्तर है जॉर्डन हैंडरसन जी। इंग्लैंड के मिडफील्डर है जॉर्डन हैंडरसन हैज बीन नेम्ड एज इंग्लैंड्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। हमारा अगला सवाल है सैंड्रो वैगनर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। Former Bayern Munich and Germany striker Sandro Wagner has announced his retirement from international football. हमारा अगला सवाल है Iker Casillas has announced his retirement from international football. He belongs to which country? बहुत ही मशहूर प्लेयर है, I hope आपको पता होगा, ये स्पेन के गोलकीपर हैं। Former Spain and Real Madrid goalkeeper Iker Casillas has announced his retirement from international football. हमारा अगला सवाल obituaries से related है। Famous personality अमर सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है politics से। समाजवादी पार्टी के लीडर रह चुके हैं अमर सिंह, उनका हाल ही में निधन हुआ है। हमारा अगला सवाल है शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? नाम से पता चल सकता है कि ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर हैज पास्ड अवे। हमारा अगला सवाल है विच अमोंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यूएई हैज बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हम यूएई की बात करें तो इनकी कैपिटल है आबू धाबी और करेंसी है यहाँ की दिरहम। हमारा अगला सवाल है भारत के बाद किस देश ने टिकटॉक को बैन किया है? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। After India, US President Donald Trump has decided to ban TikTok. हमारा अगला सवाल है TikTok is planning to open its first European data center in which country? भले ही कोई कंट्री TikTok को बैन करे, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। TikTok is planning to open its first European data center in which country? इसका सही उत्तर है आयरलैंड। TikTok is planning to open its first European data center with an investment of 420 million euros in Ireland. अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और करेंसी है यहाँ की यूरो। हमारा अगला सवाल है Which among the following union minister has launched
लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर? इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इनॉग्रेशन किया है सिरमौर, जो कि धौलाकौन हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला समर में, और विंटर में कैपिटल है यहाँ की धर्मशाला। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है जयराम ठाकुर जी, और गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के बंदारू दत्तात्रेय जी। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन? इसका सही उत्तर है दादरा एंड नगर हवेली। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज लॉन्च ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। अगर हम दादरा एंड नगर हवेली की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है सिलवासा, और एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के प्रफुल्ल पटेल जी। हमारा अगला सवाल है, टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है थंजलविल गोल्फ रिसोर्ट। अब ये गोल्फ रिसोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम में। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है थंजलविल गोल्फ रिसोर्ट, जो कि मिजोरम में एक प्रोजेक्ट है। दिस द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफ गोल्फ, इंटरनेशनल एंड नेशनल टूरिज्म ऑफ गोल्फ। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल है एजवल, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के जोरम थंगा जी, और मिजोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्ले जी। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च वर्चुअल अवेयरनेस प्रोग्राम ई रक्षा बंधन? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है ई रक्षा बंधन को। ये एक मंथ लॉन्ग ऑनलाइन कैंपेन है दैट विल क्रिएट अवेयरनेस ऑन साइबर क्राइम अलोंग द स्टेट। इस कैंपेन का स्लोगन है लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए यूनिक आइडेंटिटी कार्ड परिवार पहचान पत्र? परिवार पहचान पत्र नाम का एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड किस राष्ट्र सरकार ने जारी किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा राष्ट्र सरकार ने। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज लॉन्च्ड अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड परिवार पहचान पत्र। दिस विल अनेबल द सिटीजंस टू गेट द बेनिफिट ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी, और हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य जी। हमारा अगला सवाल है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21? इसका सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, जो एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है टू पॉपुलराइज साइंस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ 6th to 11th स्टैंडर्ड। ये इंडिया के साइंस टैलेंट सर्च का एक पहला, अपने आप में पहला और एक बड़ा प्रोग्राम है। हमारा अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च डीडी असम 24/7 चैनल? इसका सही उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर, जो कि यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। हमारा अगला सवाल है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ए 2-day इंटरनेशनल वेबिनार ऑन लोकमान्य तिलक? लोकमान्य तिलक जी के ऊपर 2 दिन का इंटरनेशनल वेबिनार किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है अमित शाह जी ने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैज लॉन्च्ड अ 2-day वेबिनार ऑन द विद द थीम लोकमान्य तिलक स्वराज टू द सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये क्यों लॉन्च किया गया है? दिस वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 100th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक जी। अगर हम रीसेंट नेशनल अफेयर्स की बात करें तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हैज चेयर्ड द फर्स्ट जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम, और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने
इंडिया की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन, या फिर जिसे किसान रेल के नाम से भी संबोधित किया है, उसे फ्लैग ऑफ किया है। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक जाएगी विथ वेरियस स्टॉपेजेस, और इस ट्रेन में फल और वेजिटेबल्स कैरी किए जाएंगे। ओवरऑल इस ट्रेन का डिस्टेंस रहेगा 1519 किलोमीटर और जर्नी का ड्यूरेशन रहेगा तक लगभग 32 घंटे। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि बीरड ब्लास्ट के ऊपर रिलेटेड था वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।